संसदीय कार्य विधि और सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के स्वच्छता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिला का ये स्वच्छता वाहन सभी पंचायत स्थलों पर जाएगा, जिसमें जगह जगह पर लोगों द्वारा श्रमदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि असहयोग आंदोलन, अहिंसा एवं सत्याग्रह जैसे आंदोलन के माध्यम से ही देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी और आज देश को आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से स्वच्छता कार्यक्रम भी एक है। आज 15 सितंबर का दिन है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसके द्वारा सारे देश भर में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, उसके अंतर्गत स्वच्छता मिशन के द्वारा ये एक अभियान रथ यात्रा के द्वारा जो है वो सारे प्रदेश में चलाया जा रहा है। शिमला ज़िला का ये स्वच्छता मिशन का अभियान जो इसका रथ है वो आज यहाँ से रवाना किया गया है, जो शिमला ज़िला के सभी पंचायत स्थलों तक जो है वो जाएगा। इसमें स्थान स्थान पर पंचायतों में श्रमदान भी करवाया जाएगा, स्वच्छता के कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे और जागरूकता की जाएगी। शिमला जो है वो बहुत सारी चीज़ों में नंबर वन पर आ रहा है, स्वच्छता में भी नंबर वन पर जो है वो आएगा। आप सबका सहयोग इसमें जो है वो आवश्यक है और विशेष रूप से मीडिया का सहयोग जो है वो सभी कार्यक्रमों की सफलता में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जागरूकता जो है वो आपके द्वारा जो है वो जितनी ज़्यादा होती है उतनी शायद जो है वो नॉर्मल वे में जो है वो आम आदमी नहीं कर सकता। तो हम सब आपके जो है वो इस बारे में सहयोग देते हुए शिमला को निश्चित रूप से जो है वो नंबर वन पर लाने का प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।